हेलो एवरीबडी आई एम कोमल बलाला फ़ाइव डेज जीके कैप्सूल की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सिक्सटीन जून से लेकर ट्वेंटी जून तक का करंट अफेयर्स उससे पहले आज क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज है ट्वेंटी फर्स्ट जून तो आज क्या बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे तो क्या है आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें योगा की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है वैसे क्या है हर इंसान को योगा करना चाहिए फॉर हेल्दी एंड पीसफुल माइंड के लिए लेकिन स्टूडेंट्स को योगा क्यों करना चाहिए उसके कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं वो अपन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करता है स्ट्रेस फ्री लाइफ देता है पढ़ाई के प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है कंसनट्रेशन लेवल बढ़ाता है ठीक है एनर्जी लेवल बूस्ट करता है जो मेंटल हेल्थ इशूज़ है जैसे डिप्रेशन वगैरह उनको फाइट करने में हेल्प

अच्छे वे में सेलिब्रेट किया जाता था तो वैसे तो कर नहीं सकते तो इस बार की थीम भी क्या है कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को थोड़ा मतलब है ना और बढ़ा रही है मतलब कैसे इस सिचुएशन में भी अपन एक अच्छे से कर पाए वैसे ही थीम इन्होंने डिजाइन की है तो इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थ योगा फ्रॉम होम सेहत के लिए योग घर से योग इसलिए कहते हैं ना स्टे होम स्टे फिट स्टे हेल्दी सो गाइस डू योगा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स विगेन If you want PDF for this, just dial or just WhatsApp 9928001400. Okay, let's begin. Global partnership on artificial intelligence. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस देखो सबसे पहले क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या ठीक है इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये क्या है मशीनों को ह्यूमन इंटेलिजेंस दिया जाता है सिंपल सी बात है मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सके ठीक है इसकी डेफिनेशन देखें अपन तो ये है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया ताकि अपन क्या है रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को बे वैसे बेसिकली क्या है जी जो है वो ऑफिशियली प्रपोज किया था फ़्रांस और कैनेडा में कहाँ पे बी जो समिट हुई थी अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन में बेसिकली ये जो बियारेट सबमिट है ये किससे रिलेटेड है जी सेवन समिट को बियारेट सबमिट कहा गया है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बी आर सबमिट क्या है तो क्या है जी सेवन समिट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन जो कि फोर्टी फिफ्थ समिट थी अब इसे सपोर्ट कौन कर रहा है इसे सपोर्ट कर रहा है ओ ई सी डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और इसके दो सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज हैं एक तो होगा मॉन्ट्रियल कैनेडा में और दूसरा होगा पेरिस फ्रांस में अब देखो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इंडिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया मैक्सिको न्यूजीलैंड सिंगापुर स्लोवेनिया यू एंड यू अब देखो जी जो है बेसिकली क्या है एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो ए का जो यूज़ है ना उसमें रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट किसके बेस्ड है जैसे ह्यूमन राइट्स पे इंक्लूजन पे बेस्ड डा बायोडाइवर्सिटी हो गया या डाइवर्सिटी हो गया इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब एआई का अपन यूज़ इन सारे सेक्टर में कैसे एफिशिएंटली कर पाए ठीक है क्योंकि ए क्या है अभी न्यू न्यू वाला है मतलब है ना न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इतना ज्यादा यूज हो नहीं रहा है तो अपन को इसे एक सस्टेनेबिलिटी यूज करना है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ए का क्या रोल रहेगा उससे रिलेटेड ये एक फॉरम फौर, बनाया गया है ठीक है इसे हिंदी में देखते हैं मानव अधिकारों विविधता समावेशन नवाचार आर्थिक विकास पर आधारित ए के जिम्मेदार विकास और उपयोग को निर्देशित करता है अब देखो क्या है कि बेसिकली क्या बता रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ए का रोल क्या है अब जैसे कोविड नाइन्टीन जैसी सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में अपन ए का कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर सकें मतलब ए का जैसे रोबोट्स में डिफ़रेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकें ओके okay? इंडियन गैस एक्सचेंज रिसेंटली क्या है इंडिया ने लॉन्च किया है फ़र्स्ट नेचुरल गैस एक्सचेंज है ये एक यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए नेचुरल गैस के लिए तो डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली बायर और सेलर ऑफ नेचुरल गैस को अलाउ करेगा जो ट्रेड करे दोनों स्पॉट मार्केट में भी और फॉरवर्ड मार्केट में भी इम्पोर्टेड नेचुरल गैस को यहाँ नोट करना इम्पोर्टेड नेचुरल गैस का ट्रेड होगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस का ट्रेड नहीं होगा ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इम्पोर्टेड है कि ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूसड तो इम्पोर्टेड को अपन को टिक करना है ओके अब तीन सेंटर्स बनाए गए हैं कौन कौन से गुजरात का दाहेज और हजीरा साथ ही साथ है आंध्र प्रदेश का काकीनाडा ठीक है ये तीनों हब होंगे अब जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है उसे इस एक्सचेंज पे सोल्ड नहीं की जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट कर लिया डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस का ट्रेड नहीं होगा ये आई जो है वो हुई ऑन सब्सिडरी होगी किसकी आई की इंडियाज एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म की तो ये जो है मतलब बेसिकली क्या कर रहा है नेचुरल गैस एक्सचेंज का एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ओके okay? अब है ताल मदे ताल मदले ठीक है ये जो क्या है अगर आप देखा जाए तो ये कला है किसकी यक्षगान रंग मंच से जुड़ी एक कला है जो कि केरला और कर्नाटक में परफॉर्म की जाती है अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से इसे क्या है वर्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है मतलब मतलब जैसे अपन देखते हैं ना रियल की बजाय वर्चुअली परफॉर्म किया जाता है अब ये जो ताल मदले हैं इसमें आर्टिस्ट क्या होते हैं कि जैसे आप फिगर में देख रहे हैं बैठे रहते हैं ठीक है कोई कॉस्ट्यूम इनका, इनका स्पेशली कोई कॉस्ट्यूम नहीं है बस ये अपना क्या कर रहे हैं अपनी वाक कला का प्रदर्शन करते हैं जो उनकी ऑडिटरी स्किल है जो भी एपिसोड चूज करते हैं उन सब का ये प्रदर्शन करते हैं ओके इसमें स्पोकन वर्ड्स जो है वो है कोई डांस नहीं होता कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता ठीक है अब इसे क्या कहते हैं यक्ष गान माइनस डांस माइनस कॉस्ट्यूम माइनस स्टेज कन्वेंशन ठीक है यक्षगान minus, 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 अब यक्ष क्या है बेसिकली क्या है ट्रेडिशनल रंगमंच है कहाँ का कर्नाटक का जो कि किस पे बेस्ड है मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरान पे बेस्ड है ओके अब है डेक्सा मैथासोन ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकवरी ट्रायल है जिसमें कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स या मेडिसिन पे ट्रायल किया जाता है ठीक है उसने रिपोर्ट किया है कि डेक्सा मैथासोन जो है वो कोविड नाइन्टीन डेथ को सी जो कोविड नाइन्टीन डेथ हो रही है सीवियर पेशेंट में मतलब सीवियर पेशेंट की जो डेथ हो रही है कोविड नाइन्टीन की वजह से उसे रिड्यूस कर रहा है तो ये बेसिकली एक स्टेरॉयड ड्रग है जो कि बहुत सस्ती है और ईजिली अवेलेबल है ठीक है इसे दो वे में यूज़ कर सकते हैं औरली भी ले सकते हैं अपन या इंजेक्शन के वे में भी ले सकते हैं अब देखो ये क्या है अट्ठाईस दिन बाद अगर कोई पेशेंट जिसे ब्रीथिंग मशीन से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसकी डेथ रेट कोई रिड्यूस कर रही है पैंतीस परसेंट से और अगर कोई पेशेंट जिसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी डेथ कोई रिड्यूस है ट्वेंटी परसेंट ठीक है इसकी खासियत यह है कि जो लेस एल्ड पेशेंट है ओके okay. या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं उनके लिए ये दवाई बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है उनमें कोई काम की नहीं है या फिर वो जो लोग जिनमें जिनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है उन्हें उनको अगर ये मेडिसिन देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा मतलब कोई इफेक्टिव ही नहीं है ओके okay. तो डब्ल्यू ने साफ कहा है कि इस मेडिसिन को सिर्फ उन्हीं को दिया जाए जिनको ब्रीथिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट है या फिर जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ले रहे हैं ठीक है तो ये वन डेथ फॉर एवरी एट पेशेंट को पे मतलब प्रिवेंट करेगी ओके लेकिन सिर्फ उन्हीं पे जो ब्रीथिंग मशीन्स पे है ओके वन फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव डेथ ऑन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अलोन ओके मतलब देखो सिंपल सी बात है जिन्हें सीवियर सिम्टम्स हैं ना या जो सीवियरली इल है उन्हीं पे ये काम की है जो लेस इल पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है फर्स्ट बेल केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है फर्स्ट बेल अभी क्या है कोविड नाइन्टीन की वजह से सब जगह वर्क फ्रॉम होम का कल्चर वर्चुअल क्लासेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सारी चीज़ें नई नई अपन देखने या सुनने को मिल रही है ठीक है तो उसी टाइप से है केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव है फर्स्ट बेल इसमें क्या होगा कि स्टेट स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्चुअल क्लासेस अरेंज की जाएगी ठीक है क्योंकि ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो कोविड नाइन्टीन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं अब हो अब क्लासेस कैसे होगी फ्री होगी जो डिफरेंट जो अपने देखो टीवी चैनल होते हैं ना उन पर क्लासेस को स्ट्रीम किया जाएगा या जो डीटीएच है उन पर डायरेक्टली इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं अब जो केरला गवर्नमेंट है वो किट मतलब के आई टी काइट विक्टर चैनल जो है उसका यूज़ कर रही है इसको परफॉर्म गया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है आप फिगर में देख रहे हैं कि कैसे चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं ओके नेपाल भारत मैत्री देखो क्या है नेपाल भारत के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं अभी काला पानी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है ठीक है तो उसी डायरेक्शन में देखो डिस्प्यूट अलग जगह है बट अपनी पार्टनरशिप ताकि अपन एक मतलब है ना थोड़ा अपना फ्रेंडली रिलेशन हो जाए तो उसी टाइप से ये अपने रिलेशन को बूस्ट करने के लिए एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है इंडिया का जो कि बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम है ये क्या कर रही है कि अपने कल्चरल रिलेशन या जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है दोनों कंट्री के बीच में उनको मजबूत करेगी 2018 में क्या हुआ था इसी योजना के तहत पशुपति धर्मशाला का इनोग्रेशन किया गया था काठमांडू नेपाल में ठीक है पशुपति जो टेंपल है वहां पे पशुपति धर्मशाला बनाई गई थी अब एमओयू भी साइन हुआ नेपाल भारत मैत्री ठीक डेवलपमेंट पार्टनरशिप अब वहाँ पे क्या एक सैनिटेशन फैसिलिटी बनाई जाएगी कहाँ पे पशु पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि काठमांडू में है अब जो इसे देखो ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी और इसमें इंडिया फिनेंशियल हेल्प देगा 2.33 करोड़ की ओके अब पशुपतिनाथ टेम्पल ऐसा कहा जाता है पशुपतिनाथ जो टेंपल है वो गोड लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट हैं इन एशिया फॉर डिवोटीज़ ऑफ शिव ठीक है अब ये भी कहा जाता है कि आठ हिंदू के पवित्र स्थल है उसमें से ये एक पवित्र स्थल कौन सा है पशुपतिनाथ टेम्पल है ये कहाँ पे है नेपाल में है और इसके दोनों साइड में बागमती रिवर है ठीक है इसमें बहुत सारी हिंदू बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ हैं इस मतलब इस मंदिर के आसपास अब इसमें हिंदू जो है वो मेन गेट से केवल हिंदू ही अलाउ है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था 1979 में यूनेस्को द्वारा ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया को जो है कौन सी पार्टनरशिप मिली है नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बन गया है यू का दो साल के लिए देखो सबसे पहले अपन देखते हैं यू है क्या इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है यू क्या है बेसिकली यू जो यू एन की क्या है सिंस सिक्स मेन ऑर्गन है उसमें से एक ये जो है यू एन एस सी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसका यूनाइटेड नेशन का इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना अगर कहीं पे भी शांति भंग होती है तो काउंसिल की फटाफट से मीटिंग होती है ठीक है इसमें पंद्रह मेंबर्स होते हैं अब पांच तो परमानेंट है और दस नॉन परमानेंट है परमानेंट कौन कौन से हैं चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएस और दस नॉन परमानेंट जो है वो दो साल के लिए चुने जाते हैं जनरल असम्बली द्वारा अब देखो इस बार जो है इक्कीस बाईस के लिए पाँच देशों को चुना गया था कौन कौन से हैं इंडिया नॉर्वे आयरलैंड मैक्सिको कैनिया ठीक है नॉन परमानेंट मेंबर फॉर ए टू ईयर टर्म Beginning from January 1st, 2021 to 2022 तक ठीक है इंडिया ये आठवीं बार नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुना गया है देखो पहले कौन कौन से टाइम में चुना गया था 50 51 में 67 68 में 1972 73 में 1977 78 में 84 85 में 91 92 में और रिसेंटली 2011 2012 में तो देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्या है? इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यू का कितनी बार कौन सी बार ये? आठवीं बार ठीक है उसके साथ साथ कौन से नॉन परमानेंट मेंबर है को, के, मतलब 21 बाईस के लिए चुने गए हैं इस टाइप से ये क्या है कि स्टेटमेंट्स बना के इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट अब देखो सबको पता है डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसके तहत डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो ठीक है कम से कम पैसे जो है ना मतलब फिजिकल करेंसी का यूज़ करो तो ऐसा बहुत प्रोमोशन किया और इवन जो अब माइंडसेट है वो चेंज भी हो रहा है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल मोबाइल पेमेंट कर रहे हैं तो उसी को मतलब अपन एक स्टैटिस्टिक्स के देखने के लिए एक रिपोर्ट है इसे लॉन्च की है एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने 2020 इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट ये बेसिकली ये बताएगा कि मोबाइल पेमेंट और कार्ड ट्रांजेक्शन कि क्या सिचुएशन है ठीक है तो ये ये बता रहा है कि 2019 में ए से पैसे कम निकले हैं ठीक है थीके? तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये ये बता रहा है कि कर, जो इंडिया है वो डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव हो रही है ठीक है अब कुछ इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है अपन देख लेते हैं मोबाइल पेमेंट किसके थ्रू किया जाता है पेमेंट ऐप्स है जैसे बहुत सारी पेटीएम हो गया फ़ोनपे है जीपे है तो इसमें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है ठीक है या फिर जो जो स्टोर्ड वैल्यू अकाउंट है उनसे पेमेंट किया जाता है तो वो कितना बढ़ गया है वन सिक्सटी थ्री परसेंट ठीक है तो डॉलर टू एटी सेवन बिलियन इन टू थाउजेंड नाइनटीन अब जैसे पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन करते हैं आप देख रहे हैं जैसे जो छोटा मतलब एक छोटी पी ओ एस मशीन्स होती है उस पर जो ए टी एम को लगा के अपन किया जाता है ना पी ओ एस ट्रांजेक्शन वो कितना हो गया है ट्वेंटी फोर परसेंट बढ़ गया है डॉलर टू पॉइंट सॉरी डॉलर दो चार बिलियन हो गया है ठीक है अब कार्ड और मोबाइल पेमेंट जो एज ए परसेंटेज ऑफ जी डी पी रोज टू ट्वेंटी परसेंट इन द क्वार्टर एंड जो कि टू थाउजेंड नाइनटीन में कितना परसेंट बढ़ गया बीस परसेंट ठीक है रिपोर्ट ये भी बता रही है कि कार्ड परचेज और यूपीआई जो है मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रिप्रेजेंटेड ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द डॉलर सेवन एट्टी वन बिलियन इन स्टोर ट्रांजेक्शन इन टू थाउजेंड नाइनटीन उसमें सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है यूपीआई पेमेंट स्पेस में गूगल पे और फोन पे ये बता रहे हैं कि more than 7 billion transactions in total in दोनों के द्वारा की किए गए ओके okay? तो मतलब जो है वो जीपे और फोन पे से हुए थे 2019 में ओके क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अब देखो आप सब जानते आईपीसी का जो है पेरिस सबमिट हुई थी उसके बाद भी मतलब बार बार होती रहती है ठीक है वही देखती है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है तो उसी डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा असेसमेंट हुआ है तो फर्स्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन नेशन किसने इंडियन रीजन के लिए किसने पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ठीक है ये नेशनल फोरकास्ट का फर्स्ट एवर है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बताएगा अपने सब कॉन्टिनेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ेगा कमिंग सेंचुरी में ठीक है अब ये जो प्रोजेक्शन है किस पे बेस्ड है क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल पे बेस्ड है जिसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे द्वारा ये जो है ये में भी पार्ट हो सकती आईपीसीसी की जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी 2020-22 में उसका ये पार्ट बन सकती है अब देखो ये क्या बताएगी सिंपल सी बात है ये ये बताएगी लैंड और ओशन टेम्परेचर में कितना चेंजेस हैं मानसून रेनफॉल में क्या चेंजेस हुए फ्लड्स ड्रॉट्स हिमालयन वार्मिंग ग्लेशियर लॉस इन सब को रिलेटेड ये सारे स्टेप्स के बारे में बताएगी ओके okay? ताकि ये हेल्प करेगी कि अपन जो साइंस या जो अपन पॉलिसी बनाए इंडिया में इन सारे चीज़ों को अपन देख के बनाए ओके okay? सिपरी ईयर बुक अब देखो सिपरी क्या एक न्यू ईयर बुक रिलीज़ की है स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये बेसिकली ये ईयर ये ये बुक जो है वो क्या एसेस करती है वो ये देखती है कि आर्म की करंट सिचुएशन क्या है डिस आर्मेंट की और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की करंट स्टेट क्या है अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है ठीक है इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है उसके साथ साथ ही पाकिस्तान चाइना के बीच में कंपेरिजन आ सकता है ओके okay? और और इसके अलावा मीनस में अपन इसको डिफरेंट डिफरेंट जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसमें इसको अपन हाईलाइट कर सकते हैं ठीक है तो इस वजह से इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओल्ड नेशन जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करें इंडिया और चाइना ठीक है लास्ट वन ईयर से उनका न्यूक्लियर वारहेड बहुत बड़ा है ठीक है चाइना जो है वो मॉडर्नाइज जो उसके न्यूक्लियर आरसीनल को मॉडर्नाइज करने में सबसे आगे ठीक है उसने कितने कर दिए अभी तक देखो 290 थे 2019 में जिसके अब हो गए हैं 320 हो जाएंगे 2020 में ठीक है तो चाइना ने सौ कोर्ट न्यूक्लियर ट्राइड फर्स्ट टाइम बनाया जिसमें न्यू लैंड भी होगा सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स होगी न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट भी होगा मतलब तीनों लैंड सी और एयर इंडिया की जो न्यूक्लियर आरसिनल है वो कितनी बढ़ गई 130 140 थी 2019 में जिसकी डेढ़ हो गई है दो में ठीक है पाकिस्तान धीरे धीरे बढ़ा रहा है बट बढ़ा रहा है वन सिक्सटी जाएगा दो में तो देखा जाए तो कितनी मतलब ये बता रहा है ये दोनों का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि चाइना पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है और उनके पास लार्जर न्यूक्लियर आर है इंडिया के कंपैरिजन में ठीक है अब देखो नाइन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कौन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस है रशिया है यू है फ्रांस है चाइना है इंडिया है पाकिस्तान है इज़राइल है नॉर्थ कोरिया ये नो no के नो no इम्पॉर्टेंट है कभी भी मतलब है ना किसी भी वे में आ सकते हैं ठीक है बता रहे हैं कि इन सबके पास 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे एट द स्टार्ट ऑफ 2020 मतलब अभी 2020 के स्टार्टिंग में इनके पास इतने वेपन्स थे ठीक है जो डिक्रीज होके कितने विच मार्क डे डिक्रीज फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स मतलब 2019 में इतने ज़्यादा थे 13,865 थे जिससे कम हो गए हैं 13,400 हो गए अब क्यों हुए हैं क्योंकि क्या है जो ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स है ना उनका डिसमेंटलमेंट हो रहा है ठीक है कहाँ पे रशिया और यूएस के द्वारा तो और ये दोनों जो है वो ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन का 90 परसेंट पजस्ट करते हैं इस वजह से कुछ वेपन्स कम हो गए अब यूएस और रशिया जो है उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर आर्सिनल है उसे रिड्यूस किया है अंडर 2010 न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत ठीक है जो कि 2021 फरवरी में खत्म हो जाएगी ओके न्यू स्टार्ट अब देखो न्यू स्टार्ट क्या है न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये क्या है एक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है किसके बीच में यूएस और रशिया के बीच में तो देखो दोनों देशों ने परमाणु वार ले जाने में सक्षम मध्यम व कम दूरी की भूमि आधारित मिसाइलों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी तो ये तो है आई एन एफ ये भी साइन हुई थी अब जो स्टार्ट है वो क्या है यूएसए रशिया सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है ठीक है किसके बीच में है यूएस और रशिया के बीच में इसे साइन की गई थी प्राग 2010 में बट फोर्स में कब आई 2011 में और ये 2021 तक ही वैलिड है अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है न्यू स्टार्ट को किसने रिप्लेस किया है सॉर्ट ने ट्रिटी ऑफ मॉस्को तो न्यू स्टार्ट से पहले कौन सी ट्रिटी थी सॉट थी जो 2012 में खत्म हो गई उसके बाद स्टार्ट वन ट्रिटी आई जो कि दिसंबर दो नौ में खत्म हो गई थी उसके बाद स्टार्ट टू आई जो कभी फोर्स में आई नहीं स्टार्ट थ्री आई जिसमें नेगोशिएशन कभी कंक्लूड हुए ही नहीं ठीक है द ट्रीटी कॉल फॉर हाल्विंग द नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर ये बोल रही है कि जो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर है उसे हाफ किया जाए ठीक है अब इसके साथ साथ ही ये ही बोलती है कि ये इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ ऑपरेशनली इन एक्टिव न्यूक्लियर वार हैड्स स्टॉक बिल्ड बाई रशिया एंड यू एस ए नंबर इन द हाई थाउजेंड्स मतलब जो इन एक्टिव न्यूक्लियर वार हैड है उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है ठीक है अब डेड लॉक किसके बीच में हो गया न्यू स्टार्ट के बीच में और एक कोलाब्स हो गया था नाइनटीन एटी सेवन सोवित यू एस ट्रिटी ठीक है सोवियत यूएस ट्रीटी जो है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ आई एन एफ ट्रीटी आई एन एफ क्या है मैंने पहले भी बताया था दोनों देशों ने परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम मध्यम एंड मध्यम एवं कम दूरी की भूमि आधारित मिसाइलों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी जो कि कोल्ड वार के बाद साइन हुई थी ये वाली ट्रीटी आई एन एफ ठीक है मतलब कोल्ड वार के टाइम साइन हुई थी अब इसमें यह कहा था कि ना मतलब ये दोनों देश जो है वो इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्टर रेंज की मिसाइल के एलिमिनेशन पे बात करेंगे ठीक है अब ये क्या है दोनों में डेड आ गया है तो ये क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि यूएसए ने 2019 में इस संधि से पीछे हट गया था यूएसए तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट है बायो रशिया और यू के बीच में ये खत्म होने की कगार पर है ओके गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है गेटवे क्या है एक बेसिकली स्मॉल स्पेस चिप है जो मून को ऑर्बिट करेगा ये बेसिकली क्या करेगा चंद्रमा पे एस्ट्रोनॉट को भेजेगा ठीक है और बाद में मास पे भेजेगा किसके थ्रू भेजेगा हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द गेटवे जो कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है ये क्या करेगा फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को भेजेगा मून पे बाय 2024 अब जो गेटवे है वो एक बेसिकली टेम्पररी ऑफिस है एस्ट्रोनॉट्स के लिए ठीक है जो कि टू थाउज सॉरी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है ना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइल्स दूर है अर्थ से ठीक है वहाँ पे क्वार्टर्स भी है लेबोरेटरीज भी है साइंस एंड रिसर्च के लिए ठीक है पोर्ट्स भी है विजिटिंग स्पेस के लिए तो देखो देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं उसी टाइप का है बट ये छोटा सा है ठीक है तो एस्ट्रोनॉट्स क्या है इस गेट को एक साल में एक बार यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब नासा का टारगेट ये है कि इस गेट का कंप्लीशन हो जाए 2026 तक कैसे भी तो उसने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है ओके okay, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है गेटवे लूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट आउट पोस्ट क्या है नासा के आर्टमिस प्रोग्राम का पार्ट है सबसे पहली बात गेटवे एक स्मॉल स्पेस शिप है जो मून को ऑर्बिट करेगा इसके थ्रू एस्ट्रोनॉट मिशन जो मून पे जाएंगे ठीक है और हेलो का ये यूज करेंगे अब आर इस प्रोग्राम क्या है ऑन गोइंग गवर्नमेंट फंडेड क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है यूएसए का इसके थ्रू वो फर्स्ट वुमेन को और नेक्स्ट मैन को मून पे लैंड करेंगे लूनार साउथ पोल रीजन बाय 2024 ओके अब है देखो दारबुक शॉक दौलत बेग ओल्डी रोड आप सब ने गलवान वाली इशू गलवान वेली वाला इशू तो देखा ही है इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड है ठीक है बहुत लोगों की डैथ भी हो गई बहुत एक मतलब है ना बहुत बेकार से घटना हुई थी तो अब है दारबुक शॉक दौलत बैग ओल्डी रोड ये क्या है इन द रिपोर्टिंग ऑन द ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है ठीक है इस तो क्या हुआ था कि गलवान रिवर वैली रीजन में चाइना ने उसके अलोंग कुछ बनाया था ठीक है जो डायरेक्ट थ्रेट है अपने इस डी एस डी बी ओ रोड पर ठीक है अब डी डी एस डी बी ओ रोड जो है टू फिफ्टी फाइव किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर रोड है जिसे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ने ठीक है कहाँ पे है लद्दाख में है ये बेसिकली क्या है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है अक्साई चीन में उसके पैरल है ये ठीक है अक्टूबर 2019 में डिफेंस मिनिस्टर ने एक मतलब एक बड़ा ब्रिज पाँच सौ मीटर लंबा ब्रिज जो है बेले ब्रिज करके बनाया था ठीक है अब ये ब्रिज जो है कॉलोनल चिवांग रिंचेन इन इंडियन आर्मी हीरो है उसके नाम पे रखा गया है जो कि लोकेटेड है फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फिट पे मतलब इतना लंबा है तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हो गया ठीक है ये जो डी रोड है ये बेसिकली लेह को कनेक्ट करता है दौलत बैग ओल्डी से ठीक है अब डीबीओ की खासियत ये है कि इंडियन टेरिटरी का ये नर्दन मोस्ट कॉर्नर है जो कि लद्दाख में है डीबीओ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप भी है आप देखो इसे मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे है ये अक्साई हो गया ठीक है अब यहाँ डी एस रोड हो गया फिर शौक आ गया फिर दाबू आ गया और ये चाइना इधर है ही ओके समझ आ गया तो इसकी तीन तीन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे एक ब्रिज भी है ठीक है वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप भी है और किसने बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पैरल है जो कि अक्साई चिन्ह में है ओके okay? गरीब कल्याण रोजगार अभियान आप सबको पता है माइग्रेंट लेबर जो है की हालत बहुत बुरी हो गई थी अब वो शहरों से गाँव में तो चले गए बट उनके सामने क्या है रोजी रोटी का संकट आ गया है कि वो कैसे कमाए क्या खाए ऐसी बहुत बेकार सिचुएशन से वो अभी जूझ रहे हैं ठीक है तो बेसिकली हुआ क्या था अभी रिवर्स माइग्रेशन हुआ था मतलब शहरों से वो लोग गांव की ओर गए ठीक है तो गवर्नमेंट ने आप सबको पता है गरीब कल्याण जो योजना है ठीक है उसके तहत सबको बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने ठीक है तो उसी में एक और योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान ठीक है जो बेसिकली क्या है रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है अभी 20 जून कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे खगियार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लॉन्च किया गया है जो मतलब है ना खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के गांव है तेलीहार गांव में लॉन्च की है किसने प्राइम मिनिस्टर ने ठीक है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहाँ लॉन्च की है खगिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ बिहार ऑन ट्वेंटी जून 2020 अब इसमें जो पैसा आएगा वो वही 20 लाख करोड़ के तहत आएगा ठीक है देखो इसे सबसे पहले लॉन्च किया है 116 डिस्ट्रिक्ट छ स्टेट में अब वो सारे स्टेट है जहाँ पे माइग्रेंट लेबर सबसे ज्यादा है स्टेट कौन कौन से हैं बिहार यूपी एमपी राजस्थान झारखंड उड़ीसा ठीक है अब ये जो डिस्ट्रिक्स हैं ये टू थर्ड ऑफ माइग्रेंट वर्कर को कवर करती है अब ये जो कंपेन है इसमें क्या होगा कि हर इंसान को 125 दिन का रोज़गार दिया जाएगा और इसमें टोटल जो बजट है वो 50,000 करोड़ का है जो कि पार्ट है 20 लाख करोड़ का मतलब 20 लाख करोड़ का इनका जो बजट था उसमें से ही पचास करोड़ दिए जाएंगे अब इसमें पच्चीस डिफरेंट टाइप के काम होंगे ठीक है और ये एम्प्लॉयमेंट देंगे किसको दे रहे हैं माइग्रेंट वर्कर को ठीक है इसके साथ साथ ही एक एक चीज़ तो हो गई कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं माइग्रेंट वर्कर को दूसरी ये हो गई कि रूरल रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं मतलब क्रिएट कर रहे हैं ठीक है तो दोनों ही काम हो गया सरकार के इनको रोजगार देना भी हो गया और साथ ही साथ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट भी हो गया अब इसमें जो है डिफरेंट बारह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट साथ में मिलके काम करेंगे मतलब देखेंगे ओके तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिस्ट्रिक्स छः स्टेट हैं अभी किसके लिए है कहाँ से कहाँ से लागू की गई है किस दिन लागू की गई है कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा एक सौ पच्चीस दिन का ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पच्चीस डिफरेंट टाइप के वर्क है इसमें सारे हो गए देखो आंगनबाड़ी सेंटर हो गया कुसुम योजना भी हो गई ठीक है नेशनल हाईवे हो गया स्टेट हाईवे हो गया बहुत सारी चीज़ें एक्स वाई जेड ओके अब है अब इसमें क्या है तीन रिपोर्ट्स अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस हाई रिफ्यूज हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज देखो यूएनएचसीआर हैज़ रिलीज एनुअल रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट ठीक है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब आता है ट्वेंटी जून को आता है ये बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट है क्या बताती है नंबर ऑफ़ रिफ्यूजी की काउंटिंग मतलब कितने हैं इंटरनली डिस्प्लेस कितने पीपल है कितने लोग अपनी कंट्री में वापस आ गए उनका एरिया ऑफ ऑरिजिन क्या है असलम सीकर कौन कौन से हैं स्टेटलेस पीपल कौन कौन से हैं ठीक है तो इन सारा का कंसर्न किसके पास रहता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को रहता है ओके okay? नेक्स्ट रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन रिलीज करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज करता है ठीक है बेसिकली ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चार परसेंट कम हो जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई फोर्थ परसेंट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया था नाइनटीन दिसंबर 1966 में इसमें 68 मेंबर हैं इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है इस पर आ सकता है जापान में सब जापान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है होल्ड कर रहा है मतलब शेयर सबसे ज़्यादा है जापान के हैं उसके बाद यू के हैं ये बेसिकली क्या करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन इसका हेडकोर्टर है मनीला फिलिपींस में थर्ड रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन कौन जारी करता है अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ठीक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बेसिकली ये बताती कि एफ का क्या ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड लेवल पे ठीक है वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या ट्रेंड है रीजनल लेवल पे कंट्री लेवल पे ठीक है और डेवलपमेंट में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए सामने आई है कि 2019 में इंडिया की पोजीशन एफ को लेके बहुत अच्छी हो गई है मतलब 2018 में इंडिया की पोजीशन ट्वेल्थ थी जिससे अपन आ गए हैं नाइन्थ पोजीशन पे तो अपन क्या है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एफ डी में से आ गए हैं 2019 में एफ़ का जो इन्फ्लो है इंडिया में वो ट्वेंटी बढ़ गया है कितना हो गया है डॉलर फिफ्टी बिलियन मतलब इतनी ज़्यादा एफ आ रही है अपने यहाँ ओके तो कौन सी पोजिशन हो गई नाइन्थ पोजिशन इन टू थाउजेंड आई लैब आप सबने सुना होगा देखो कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड क्या होता है कि ना जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे तो इजी गोइंग ट्रीटमेंट हो जाता है कोविड पेशेंट का लेकिन अब जो कोई इनएक्सेसिबल एरिया है या जो दूर दराके के इलाके हैं वहाँ तक तो पहुँचना पॉसिबल नहीं है तो इन्होंने क्या किया एक मोबाइल मतलब एक तरीके से है ना जो वैन बनाई है ठीक है जो सब जगह जा सकती है तो ये कंट्री की फर्स्ट मोबाइल आई लैब है इन्फेक्शस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब लास्ट माइल कोविड 19 टेस्टिंग एक्सेस के लिए ठीक है इसे क्रिएट क्या है मतलब एक वैन टाइप से जो एक वैन होगी ना आई लैब ठीक है उसमें सारी फैसिलिटीज़ होगी ओके okay, इसे बनाया है आंध्र प्रदेश मैड टैक जोन लिमिटेड ने किसके तहत नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत अब ये लैब जो है वो बायो सेफ्टी लेवल टू कैटेगरी से बिलोंग करती है इस पर भी कितनी बार क्वेश्चन आ जाता तो आई लैब बेसिकली है क्या इन्फेक्शस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब है लास्ट माइल कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग एक्सेस के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है ओके okay? सत्य भामा ये एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट तो ये क्या करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोमोट करेगा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में देखो आपन सब देख रहे हैं इंडिया का फोकस है आत्मनिर्भर भारत में तो हर सेक्टर में ना कोशिश कर रहे हैं कि अपन आत्मनिर्भर बने चाहे देखो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो चाहे मतलब है ना चाहे असेंशियल गुड्स हो चाहे डिफेंस हो चाहे माइनिंग हो इन सब में मतलब हर एक जो छोटे से बड़ा सेक्टर है उसमें अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन आत्मनिर्भर बने तो उसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठा रही है उसी डायरेक्शन में ये स्टेप है किसके लिए माइनिंग में अपन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो क्या है सत्यभामा इसे डिज़ाइन डेवलप और इम्प्लीमेंट कौन करेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डेवलप करेगा और ये जो पोर्टल है इसे इंटीग्रेट किया गया है एनजीओ दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग ठीक है अब ये जो सत्यभामा पोर्टल है ये बेसिकली नेशनल सॉरी मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम के तहत काम करेगा अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो क्या प्रोमोट करेगी रिसर्च किस में अप्लाइड जियो साइंसिस में मिनरल के एक्सप्लोरेशन में माइनिंग में मिनरल प्रोसेसिंग में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री तो ये क्या कर रही है बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम है उसकी अपन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा सके ओके okay? कोडुमनल ये एक बेसिकली गांव है कहाँ का तमिलनाडु का ठीक है ये नॉर्थन बैंक ऑफ नोयल रिवर पे लोकेट है जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की ये इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली क्या है एक एंशंट ट्रेड सिटी रह चुकी है कहाँ मतलब जो संगम लिटरेचर है पाटी थ्रू पट्टू ठीक है उसमें इंस्क्राइब्ड भी है ये तो ये ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर रह चुका था फिफ्थ सेंचुरी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बी तक ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये किसके कंट्रोल में है स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु अब रिसेंटली क्या हुआ है कि वहाँ पे कुछ अपन को अवशेष मिले हैं जो कि मेथामेगा कल्चर से बिलोंग करते हैं दस तो मटके मिले हैं कुछ बाउल मिले हैं ठीक है थ्री चैम्बर्ड बुरियल जो सिस्ट होती है ना उसके बाहर मिले हैं और इनसाइड द केन सर्कल के अंदर भी मिले हैं तो ये क्या बता रहा है कि बोरियल जो है ना रिचुअल जो होते हैं ना मतलब जो मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उस पर फोकस डाल रहा है कि क्या क्या उस टाइम क्या सिचुएशन होती थी वो कैसे रीति रिवाज फॉलो करते थे ठीक है और आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है मेगालिथिक कल्चर में उस पर भी एक फ़ोकस डाल रहे हैं तो उसको अपन स्टडी करने में आसानी होगी उसके साथ साथ और क्या क्या मिला है एनिमल स्कल मिला है कुत्ता मिला है ठीक है बहुत सारे प्रीशज स्टोन भी मिले हैं कॉपर मेल्टिंग यूनिट मिली है बहुत सारे मटके मिले हैं ठीक है आप फिगर में देख रहे हैं तो बेसिकली आफ्टर लाइफ के जो कंसेप्ट है मतलब मरने के बाद को बता रहा है मेगालिथिक कल्चर के ठीक है उसकी स्टडी करने में हेल्प करेगा अब है एम आई आर वन फिफ्टी फाइव ठीक है तो क्या है रिसर्चर फ्रॉम आईआईटी मद्रास आईआईएससी बेंगलुरु और कुछ अदर इंस्टीट्यूट ने मिलके एक स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए जिसका नाम है एमआईआर 155 जो कि टंग कैंसर में ओवर एक्सप्रेस्ड है ठीक है अब माइक्रो आर क्या होते हैं स्मॉल राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं ये नॉन कोडिंग आर हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ साथ ही ये क्या करते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैंसर में भी इंक्लूड होते हैं अब ये जो फाइंडिंग है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये मॉलिकुलर स्ट्रेटेजीज ठीक है ताकि अपन इसको मैनिपुलेट करके टंग कैंसर को क्योर कर सकें और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप कर सके ओके एग्जॉन रिसेंटली क्या हुआ है नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है एग्जॉन ए रेसिपी फॉर डिज़ास्टर करके ठीक है अब एग्जॉन जो है जिसे अखूनी भी कहा जाता है एक फर्मेंटेड सोयाबीन है नागालैंड का ठीक है मतलब जैसे आप फिगर में देख रहे हैं मतलब एक तरीके से ना जैसे अपने वो नहीं होती है कि चटनी अचार इन सब में इसे यूज़ किया जाता है या कड़ी बनाने में है ना सोयाबीन है ये एक जिसका क्या है एक अनोखी खुशबू है ठीक है फ्लेवर भी इसका बहुत डिफरेंट सा है इस वजह से ये जाना जाता है तो इसे चटनी में अचार में फिश चिकन इन सबको बनाने में यूज़ किया जाता है ये पॉपुलर है जो सुम्मी ट्राइब है वो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है बहुत खाती है इसे ठीक है तो ये बेसिकली नागालैंड का है ओके और उसके साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें नाम से जाना जाता है ओके गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इसके साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो टॉपिक समझा दूंगी ओके बाय